रिसेंटली इंडियन आर्मी ने कहा है कि पीस स्टेशंस में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे और कुछ कुछ जगहों पे तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया है। अभी तक इस कैटेगरी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आया नहीं है, लेकिन अब प्रिवेक डायनेमिक्स की तरफ से वीर गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 2023 के अंदर, जो कि प्योरली इलेक्ट्रिक रहेगी और सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए रहने वाली है। अब प्रिवेक वीर के अंदर 90 किलोवाट पर आवर की बैटरी आती है जो कि 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो कि बहुत बढ़िया है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। 402 HP की पावर प्रोड्यूस करेगा और 620 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर दो मोटर है, एक आगे है और एक पीछे है, और दोनों एक्सल को ये इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में नेविगेशन आएगा विद कैमरा रहेगा, जो कि थर्मल इमेजिंग के साथ भी आएगा। इसी स्क्रीन को फ़ोन के साथ माउंट किया जा सकता है, आईपैड के साथ माउंट किया जा सकता है, कोई भी टैबलेट के साथ माउंट किया जा सकता है, ताकि इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज़ किया जा सके। ये अप्रैल 2023 से डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे डिफेंस फोर्सेज को, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा टेंडर रहने वाला है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेज में गाड़ियों के मामले में खासतौर पर जो एक्सपेडिशन व्हीकल या फिर डिफेंस फोर्सेज के व्हीकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक में अभी तक इंडक्ट नहीं किए गए। इसका जितना भी आप पार्ट देख रहे हैं ये जो है पूरा कार्बन फाइबर का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो चेसी है और जो फ्रेमवर्क है जो कि डिफेंस फोर्सेस को मेनली चाहिए होता है वो पूरा मेटल का बना है, हाई स्ट्रेंथ स्टील का बना हुआ है। फ्रंट में अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो LED DRLs का यूज किया गया बहुत ही सही तरीके से शार्पली यूज किया गया। साथ में इसके चेसी के साथ ही यहाँ पर टोइंग हुक दिया जाता है और जो रिंच होता है वो यहाँ पर चेसी के साथ ही दिया गया है। इतने बड़े हुक के साथ ये गाड़ी परमानेंटली आने वाली है और इस गाड़ी का कोई और वेरिएंट नहीं आएगा, क्योंकि ये डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाई जाए तो इसमें और कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। इसका डिज़ाइन जो है ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये एरोडायनामिक है और डिफेंस फोर्सेज को ये चाहिए कि उनकी गाड़ियाँ स्ट्रॉन्ग तो हो लेकिन एरोडायनामिक ज़्यादा हो। साथ में बॉडी के चेसी के साथ यहाँ पर हुक दिए जाते हैं सो दैट कि कोई गन माउंट करनी हो उसके आगे, कुछ भी और चीज़ माउंट करनी हो तो वो साथ में यहाँ पर माउंट की जा सकती है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन फाइबर का नहीं है, प्रॉपर मेटल के होते जो उसके बने हुए हैं। अगर हम साइड में आएंगे तो डिफेंस फोर्सेज को एक और चीज़ चाहिए होती है कि जब गाड़ी चल रही हो, एस्कॉर्ट व्हीकल के तौर पे चल रही हो या किसी और फंक्शन पे चल रही हो, मतलब कोई भी काम पे चल रही हो, तो यहाँ पर खड़े होके सोल्जर्स को यहाँ पर खड़े होकर जाना हो तो यहाँ पर अच्छा खासा चौड़ा फुटस्टेप दिया गया, तो यहाँ पर दरवाजे भी लग सकते हैं, कुछ और माउंटिंग भी की जा सकती है। जैसे जिप्सी के अंदर होता था कि काफ़ी सारे मतलब चेंजेस किए जाते हैं, तो होगा ये कि गाड़ी को ऐसे दिया जाएगा, उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस के अंदर किए जाएंगे, तो ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये सीटिंग जो है, मेन बात ये है कि हाई स्पीड व्हीकल है तो बॉडी रोल ओवर ज़्यादा रहने वाला है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर बकेट फिटिंग सीट्स दी गई है और डैशबोर्ड भी मतलब सॉफ्ट फिनिश वाला दिया गया है। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मतलब एक डिस्प्ले है, अभी इसमें इन बॉडी कैमरा नहीं है, तो ये जो है ये थर्मल कैमरा का काम कर रहा है। यहाँ पर अगर गाड़ी के अंदर थर्मल कैमरा आता है तो इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज वॉर का टाइम होता है तो जिसके पास थर्मल कैमरा है उसके पास एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि भाई सामने कौन है यहाँ पर। और बहुत ही कम मैकेनिक्स के साथ आती है, आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, तो वहाँ पर आपके फेलियर के चांस कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है तो वो सब डिजिटल है। यहाँ पर पीछे देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस देखने को मिलता है, मतलब कार्गो के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस है। और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक गन माउंट के लिए ऑलरेडी स्पेस दिया गया है, तो मतलब माउंटिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पकड़ने के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे की तरफ अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर टूल बॉक्स होता है, इसको खोल के आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पीछे की तरफ आएंगे और भी तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा बूट स्पेस देखने को मिलता है जो भी लगेज कैरी करने के लिए ज़रूरी होता है। और ऊपर की तरफ जैसे आर्मी के अंदर ये जो कैमोफ्लॉज मटेरियल होता है ये लगाया जाता है सो दैट कि किसी को दिखाई ना दे। और पीछे यहाँ पर टोइंग हुक दिया गया है और ये जो लाइट है इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है जो बॉडी के अंदर डाली गई है। और यहाँ पर आप इंडिकेटर देख सकते हैं कि इसी के ऊपर इंडिकेटर भी लगाए गए हैं, तो ये काफ़ी फायदा है। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है तो इसकी जो मोटर्स वगैरह है वो भी शील्डेड है यहाँ नीचे, तो उसमें डैमेज होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रिवेक का यहाँ पर ब्रांडिंग भी किया गया है, तो मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। ब्रेकिंग के मामले यहाँ पर डिस्क ब्रेक चारों टायर्स में दिए गए हैं और C8 के टायर हैं। और एक चीज़ और है कि गाड़ी के अंदर रन फ्लैट टायर आएंगे, मतलब गाड़ी के अगर गोली लग के टायर फट भी जाए तब भी गाड़ी चलती रहेगी। प्रिवेक भी